सो गाइज, अगर आपके पास घर पर कोई HP या फिर डेल का लैपटॉप है और उसकी स्क्रीन पर आपको अचानक से देखने को मिल जाता है बिट लॉकर रिकवरी, ठीक है, तो ये आप लोग मतलब अपनी मर्जी से नहीं लगाते, बट विंडो के अंदर एक ऐसा फीचर होता है बिट लॉकर का, तो अगर गलती से वो ऑन हो जाता है तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये की आप जो है नेट से भी सर्च करके डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो नेट पर भी मिल जाती है वैसे, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप जो है अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, बट डायरेक्ट आप विंडो बूट करा के इसको फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे, फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको CMD के थ्रू। तो आपको रिपेयर मोड में जाने के बाद आपको ये सब करना पड़ेगा जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो इसको आप पॉज करके देख लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी। बट अगर आपका इससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता, आप डाटा लॉस नहीं करना चाहते, तो इस केस में आप जो है एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो कि बहुत ही मतलब कि सही मेथड है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने लैपटॉप को जो है पावर ऑफ कर देना है प्रॉपरली, ठीक है, जैसे ही प्रॉपरली पावर ऑफ हो जाता है उसके बाद अगर अडेप्टर लगा रखा है तो आप अडेप्टर को भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको लैपटॉप को दोबारा से ऑन करना है और यहाँ पर कीज़ होगी F2, क्योंकि डेल का लैपटॉप है तो आपको F2 प्रेस करना होगा, तब आप बायोस के अंदर जाएंगे। अगर आपका HP का लैपटॉप है तो आपको F10 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने F2 प्रेस किया तो मैं बायोस के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ देखनी है, इन सारे फोल्डर्स के अंदर आपको सिक्योरिटी के अंदर जो है एक फोल्डर मिलेगा, तो आप नीचे आएंगे तो सिक्योरिटी, आप सिक्योर बूट के भी ऑप्शन है और सिक्योरिटी का भी, तो आपको सिक्योरिटी के अंदर जाना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है एडमिन पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको जाना है PTTT, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है PTTT सिक्योरिटी है बेसिकली, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसको नॉर्मली अप्लाई पे क्लिक करना है तो ये अप्लाई हो जाएगा। सेव एज कस्टम यूजर सेटिंग पे टिक करना है, ओके कर देना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ से मतलब ये सेटिंग करने के बाद आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये 110% जो सॉर्ट आउट हो जाएगी। बहुत रेयर केस है कि आपको जो है दोबारा से वो स्क्रीन दिखाई दे। तो उसके बाद जब आप ये एग्जिट कर देंगे तो आपकी जो विंडोज़ है नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन होने में इनिशियलाइज होने में टाइम लेती है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।